देखिए जैसे भी आप जैसे अभी अभी आपने सुना कि एक राक्षस, आज आप देखिए पूरे शहर का माहौल, आप पत्रकार है हर जगह जाते हैं, शहर का माहौल भय फैल गया है कि ये कहीं 2014 के 5 साल तो नहीं आ रहे हैं वापस। उसने ये भय फैला दिया है, बटोगे कटोगे, तो एक राक्षस ने अपना माया जाल फैला के रखा है और हम उसी माया जाल को तोड़ने आए हैं, लोगों को ये बताने आए हैं। अरे भाई ये परिस्थिति तो 2019 में भी थी और ना हम बटे ना हम कटे, पर ये राक्षस इसलिए इस तरह से भय फैला रहे हैं क्योंकि मैं जो कहती हूँ कि अगर बटोगे तो लूटोगे, मत जाइए उसकी तरफ क्योंकि वो कीचड़ ही कीचड़ है। तो आज इस राक्षस के माया जाल को तोड़ना है और शहर में जो ये भय का वातावरण आ गया है कि शायद कहीं वो राक्षस फिर से आ गया तो हमारा क्या होगा, तो ये दुर्गा उसको बचाने आई है। दूसरा आपने कहा कि आपको बीजेपी से कोई तकलीफ नहीं। जी नहीं, देखिए कभी कभी अभी जो निर्णय लिया गया है, आप लोगों को बता दूं कि मैंने पहले भी बताया था कि मुझे वहां से कहा गया था कि चयन आपका ही हुआ है। यहाँ आते आते आप देखिए कि मीरा भाईंदर की टिकट को लास्ट में दिया गया, सिर्फ 3 घंटे पहले दिया गया, तो इसके पीछे क्या साजिश थी वो बताइए। खैर हम उसमें नहीं जाके आज जो परिस्थिति है वो स्वीकार करते हैं और जो भी निर्णय हुआ मैं समझती हूँ कि भगवान ने कुछ अच्छे के लिए निर्णय किया होगा और हम उस निर्णय के साथ आगे जा रहे हैं। अपने सबसे पहले तो पुलिस की थकबाकी छुपाई है कि उनको वहाँ 83 लाख पे करना है। दूसरा उन्होंने ये छुपाया है कि उनके ऊपर जो FIR है उन्होंने सिर्फ 18 बताई है और जबकि 23 FIR पूरी की पूरी सबूत के साथ हमारे हैं। और प्रशासन का खौफ देखिए, उनका दबाव देखिए कि ये पॉइंट आउट करने के बावजूद भी उनके फॉर्म कैंसल नहीं हो रहे हैं। तो ये लोकशाही नहीं है, ये दबावशाही है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि लड़के हमारी जीत हो और ये जो दबावशाही है वो कहीं ना कहीं खत्म हो। मैडम आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई कीचड़ से है, कमल से नहीं, एक व्यक्ति विशेष से है जिसने इस पार्टी के नाम पे यहाँ सिर्फ और सिर्फ अत्याचार और भ्रष्टाचार फैलाया है। मैं फिर कहती हूँ, मेरा एक नारा था 19 में, मोदी तुझसे बैर नहीं, मेहता तेरी खैर नहीं। मुझे आज भी मोदी जी से कोई शिकायत नहीं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।